न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, ये कहकर भले ही देश के प्रधानमंत्री पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी। सच्चाई ये है कि चीन ने लद्दाख में भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख के लाखों लोग सड़क पर प्रदर्शन, आंदोलन और अनशन कर रहे हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी जमीन बताता है। सच्चाई तो ये है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए। सैटेलाइट से आई तस्वीरें बताती हैं कि अरुणाचल के कई इलाकों में चीन ने अपनी सैन्य बस्तियां बसा ली, लेकिन 56 इंच का सीना ये सब खामोशी से देख रहा है। सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की डींगे मारते थे, आज मुंह से चीन का नाम लेने से भी डरते। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक चीन से घबराते, चीन को बड़ी इकोनॉमी बताते। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. जो प्रधानमंत्री भारत की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो विश्व गुरु बनने का दंभ भरता है। संसद में खड़े होकर एक अकेला की डींगे मारता है। सच्चाई ये है कि साहब चीन का नाम लेने से भी घबराते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है सत्ता से उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को जो भारत की सरहदें सुरक्षित नहीं रख सकते।